हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग भी मेरे तरह बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो अब गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आने वाली हैं गर्मियां ऑलमोस्ट। और जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं दोस्तों, तो सबके मन में पहाड़ों पर जाने की उमंग उठती है और हर एक आदमी सोचता है कि पहाड़ों पर ठंडी जगह जाया जाए। तो दोस्तों, जब पहाड़ों का नाम आता है ना, तो सबसे पहले हर आदमी के दिल में एक ही ख्याल आता है, लेह लद्दाख जाया जाए। तो दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है, ये लेह लद्दाख के बारे में होने वाला है। जो लोग फर्स्ट टाइम लेह लद्दाख ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लेह लद्दाख को कैसे प्लान करें, ट्रिप को कितने दिन का ये ट्रिप होगा, रोड कंडीशंस कैसी होंगी, बेस्ट टाइम लेह लद्दाख जाने के लिए आपके लिए कौन सा सही रहेगा, कौन सी बाइक से आप लेह लद्दाख ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको आइटनरी बताऊंगा लेह लद्दाख की, वो मनाली टू मनाली होगी, जिसमें हम कवर करेंगे लेह सिटी को। उसके बाद हम वहां से जाएंगे नेक्स्ट डे नूबरा वैली, नूबरा वैली के बाद हम लोग जाएंगे पेंगोंग लेक, और पेंगोंग लेक से हम वापस आएंगे। इस वीडियो में हम दिल्ली टू दिल्ली बेस मानेंगे कि आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं लेह लद्दाख के लिए और वापस दिल्ली आएंगे। तो इस वीडियो को आप दोस्तों पूरा शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को इस ट्रिप में स्टे ऑप्शंस कहां कहां पे होंगी, जहां जहां आप रुकेंगे वहां पर आप कैसे स्टे करें, कौन से होटल में स्टे करें। दोस्तों, जो लोग मेरे इस वीडियो में अभी नए जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। जो लोग इंडिया की किसी भी स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो पहला जो डे है वो आप उसको दिल्ली से मानिए, और रेस्ट ऑफ इंडिया जो लोग पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड या हिमाचल से ट्रैवल कर रहे हैं लद्दाख के लिए, वो मनाली को अपना फर्स्ट डे मान सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो राइड है, जो आपकी जर्नी है, वो दिल्ली से स्टार्ट होती है मनाली तक। तो दिल्ली से मनाली का जो डिस्टेंस रहेगा वो तकरीबन 560 किलोमीटर्स के करीब रहेगा आपका। तो कुछ लोग दिल्ली से डायरेक्ट जिस्पा भी जा सकते हैं। दोस्तों, मनाली से जब आप निकलते हो, तो जो आपको लास्ट पेट्रोल पंप आता है वो आता है केलोंग में। तो केलोंग में आप मेक श्योर कि अपना फ्यूल जो है रिफिल करवा लें अपने फ्यूल टैंक्स में, और जो लोग एक्स्ट्रा कैरी करना चाहते हैं फ्यूल, वो एक्स्ट्रा भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब 323 किलोमीटर बाद ही आपको नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, जो कि कडू लेह में होगा, लद्दाख में होगा, वहाँ मिलेगा। जिस्पा जो है वो मनाली से 90 किलोमीटर आगे है, जिसमें 2.5 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है। जिस्पा लाहौल स्पीति में पड़ता है, भागा रिवर के किनारे पर बसा हुआ है, बहुत सुंदर सा एक छोटा सा गाँव है। यहाँ की जो हाइट है दोस्तों जिस्पा की, वो 10,500 फीट हैं, और यहाँ पर आपको एक्लिमेटाइज होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर जिस्पा में आपको ठहरने के लिए स्टे की जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपको होटल्स मिल जाएंगे, होम स्टे मिल जाएंगे, और यहाँ पर टेंट की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी। मनाली और जिस्पा में ऑलमोस्ट टैरिफ जो यहाँ का है वो बराबर ही है। ये वाला जो होटल है, यहाँ पर मैं लास्ट ईयर मैंने स्टे किया था, तो यहाँ का जो मुझे टैरिफ पड़ा था वो 1200 रुपीज़ पड़ा था। और व्यू आप देखिए, यहाँ से विंडो से कितना बढ़िया व्यू यहाँ सामने नज़र आता है, और आप देख रहे हैं नीचे ये भागा रिवर है, और ये सारे टेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये टेंट्स का रेट जो है वो 1200 टू 2000 फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर रात को आप बोन फायर भी कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। अब आता है दोस्तों डे थ्री। तो डे थ्री में हम लोग निकलने वाले हैं दोस्तों मनाली से सरचू के लिए। तो मनाली से सरचू का जो डिस्टेंस रहेगा वो तकरीबन 180 किलोमीटर के करीब रहेगा, जिसमें 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। तो जब से दोस्तों अटल टनल बनी है, तब से 90% जो लोग हैं वो अटल टनल होकर जाते हैं, कि इसके दो फायदे हैं। एक तो आपको अटल टनल देखने के लिए मिल जाती है, और दूसरा इसमें आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। तो 2.5 से 3 घंटे आपके बच जाते हैं यहाँ से अटल टनल होकर जाने में। और अगर आप लोग रोहतांग पास को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि उसके लिए आपको लोकल यहाँ पर मनाली एसडीएम ऑफिस से परमिट इशू करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हैं रोहतांग पास होकर। वो मैंने एड ऑन नहीं किया इसमें डे, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि हम अटल टनल होकर जा रहे हैं। मनाली से सरचू के रास्ते में
हम लोगों को एक पास आएगा बारालाचला जो कि 16,000 फीट की हाइट पे है, और उससे पहले हमें सूरज ताल लेक देखने के लिए मिलेगी। ये भी तकरीबन सेम हाइट पे है, थोड़ा सा बारालाचला पास से पहले है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस सूरज ताल लेक का। ये बारालाचला पास क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सरचू में। सरचू दोस्तों वो जगह है जहां पर हिमाचल बॉर्डर खत्म होता है और यहां से लद्दाख का बॉर्डर शुरू हो जाता है। दोस्तों सरचू की हाइट 13,800 फीट के करीब है। यहां पर हवा बहुत ज्यादा चलती है, ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। कोशिश करें कि आप 4 बजे तक सरचू पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद यहां पर ठंड बेइंतहा हो जाती है। तो यहां पर आकर आप अपना टेंट वगैरह ले लें। यहां पर टेंट 1500 से 2000 के बीच में मिल जाता है, जिसमें आपको डिनर और ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूड होगा। तो टाइम से आप यहाँ पर पहुँच के अपना रेस्ट करें, डिनर करें और रात को जल्दी सो जाएं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप लद्दाख को ट्रैवल करते हैं, लद्दाख आते हैं आप, तो रास्ते में आप अगर ड्रिंक और स्मोकिंग ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ड्रिंक और स्मोक करने से आपके लंग्स के ऊपर थोड़ा सा बुरा असर पड़ता है। और डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आप ड्रिंक और स्मोक ना करें। तो डे 4 में हम लोग सरचू से लेह के लिए निकलेंगे। तो सरचू से लेह का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो 250 किलोमीटर है। 8 से 9 घंटे तकरीबन इस डिस्टेंस को कवर करने में लग जाते हैं। दोस्तों सरचू से आगे निकलते हैं, जब आप उसके कुछ देर के बाद आपको गाटा लूप्स का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। और वहाँ पर ड्राइव करना, वहाँ पर बाइक राइड करना अपने आप में एक बहुत ही एडवेंचरस है, क्योंकि 21 हेयर पिन बेंड्स हैं जिनसे होकर आप लेह की तरफ निकलते हैं। सरचू से लेह तक अब आपको 3 पासिस क्रॉस करने हैं। नंबर 1 है नाकिला, जिसकी हाइट 15,550 फीट के करीब है, जो सरचू से 50 किलोमीटर के बाद आता है। उसके बाद आता है लाजुंगला, जिसकी हाइट 16,600 फीट है, ये नकीला पास के 11 किलोमीटर के बाद आता है। उसके बाद इस रूट का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास आता है तंगलंगला, जो कि लाचुंगला पास के 85 किलोमीटर के बाद आता है। उसके बाद दोस्तों बेहद खूबसूरत नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है जैसे ही हम एंटर करते हैं मोरे प्लेन्स में। मोरे प्लेन्स दोस्तों एक ऐसा ही जगह है जो कि 30-35 किलोमीटर का एरिया है, बिल्कुल प्लेन है। दो सड़क के दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और बीच में ये जो प्लेन रास्ता है, शायद इसीलिए इस जगह का नाम मोरे प्लेन्स रखा है। एक खूबसूरत रास्तों से जर्नी करते हुए आप शाम को पहुंच जाते हैं ले। शाम को दोस्तों ले पहुंचने पर आप यहां पर होटल ले सकते हैं। होटल्स की यहां पर भी कोई कमी नहीं है दोस्तों। यहां पर होटल्स आपको 2,500 से लेके 5,000 रुपीज तक आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। डे 5 में हम लोग आज का दिन जो है वो लद्दाख में ही रहेंगे, लद्दाख को एक्सप्लोर करेंगे, एक्लिमेटाइज होंगे आगे की जर्नी के लिए, क्योंकि आगे अब हम लोग और हाइट पे जाने वाले हैं। दोस्तों जो हमारा डे 5 है, इसमें जो हमें काम करने हैं उसमें सबसे ज़रूरी काम है बाइक को एजेंसी में, जो भी आपकी बाइक है उससे रिलेटेड अगर एजेंसी ले में है तो आप अपने बाइक का चेकअप ज़रूर करवाएं, या लोकल वहाँ मैकेनिक्स काफ़ी हैं, वहाँ पर अपने बाइक को अच्छे से दिखा कर और रेडी कर लें बाइक को, और फ्यूल टैंक जो है वो आप अपने फिल कर लें। अगर आपने ऑनलाइन परमिट नहीं लिया है नूबरा वैली का, पैंगोंग का, हनले का, तो आप डीसी ऑफिस से जाके ऑफलाइन परमिट ले सकते हैं और उसके बाद आप लोकल लेह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें देखने के लिए शांति स्तूप है जो कि लेह मार्केट से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल जगह है। उसके बाद आप गुरुद्वारा पत्थर साहब जा सकते हैं जो कि 20 से 25 किलोमीटर है लेह में, वहाँ जाकर आप मत्था टेक सकते हैं। फिर आप लेह पैलेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और शाम के टाइम आप लेह मार्केट को एक्सप्लोर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है रात को यहाँ पर, और यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। डे 6 में अब हम लोग दोस्तों आज की जो जर्नी करेंगे वो करेंगे लेह से नूबरा वैली के लिए। तो लेह से नूबरा वैली का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 120 किलोमीटर के करीब है, जिसमें 6 से 7 घंटे आपको लग जाएंगे। लेह से आगे निकलने के बाद जो पहली जहां हमारी एंट्री होती है वो आती है जगह साउथ कुल्लू। साउथ कुल्लू में आपका लाइसेंस चेक होता है और आपके परमिट चेक होते हैं, उसके बाद ही आपको खारतुंगला या नूबरा वैली की तरफ जाने की परमिशन मिलती है। इसके बाद हम लोग दोस्तों पहुंच जाते हैं फेमस खारतुंगला टॉप पर, जहां पर हर किसी का सपना होता है
खारदुंगला टॉप पर फोटो खिंचवाने का। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत कई बार बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, बहुत रश हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर खारदुंगला टॉप पर आप ज़्यादा देर ना रुकें, क्योंकि ज़्यादा देर रुकने से हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस हो सकती है आपको, क्योंकि ये 17,000 फीट पे है। तो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी यहाँ से नुब्रा वैली की तरफ निकलने की कोशिश करें। दोस्तों खारदुंगला से आगे का जो आपका सफ़र है वो लगातार उतराई वाला है, क्योंकि अब आपको 17,000 फीट की हाइट से तकरीबन 10,000 फीट की हाइट पर जाना है। खारदुंग विलेज से होते हुए खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते हुए आप पहुंचते हैं दीक्षित विलेज यानी कि नुब्रा वैली में। दोस्तों नुब्रा आप टाइमली पहुंच जाएंगे तो आप पहले होटल में अपना रूम ले लें। यहाँ का जो रूम टैरिफ है होटल्स का और होमस्टे का वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 2,000 to 3,000 आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा, जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा। यहाँ पर नुब्रा वैली में देखने के लिए फेमस मोनेस्ट्री दीक्षित मोनेस्ट्री है। यहाँ पर बुद्धा का 108 फीट ऊंचा स्टैचू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा। यहाँ की जो मोनेस्ट्री है वो 14th सेंचुरी में बनी हुई ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मानी जाती है। दीक्षित विलेज की जो हाइट है वो तकरीबन 10,300 फीट के करीब है। हुंडर विलेज जो कि सैंड ड्यून्स जिसको बोलते हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर है, वहाँ भी आप जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों अब आता है डे 7, तो डे 7 में हम अपनी जर्नी करेंगे दीक्षित विलेज से पेंगोंग। दीक्षित से पेंगोंग का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो 230 किलोमीटर के करीब है, इसमें 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। ये जो सारा रास्ता है बहुत ही बढ़िया है, सीधा सीधा रास्ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पेट्रोल आपको दीक्षित में भी पेट्रोल पंप पर मिल जाएगा, और दीक्षित से तकरीबन 25 किलोमीटर आगे खालसर एक जगह आती है, वहाँ पर भी पेट्रोल पंप है। तो आप चाहे तो आप दीक्षित में पेट्रोल डलवा लें, चाहे आप खलसर में पेट्रोल फुल करवा लें, बट आप यहां ज़रूर पेट्रोल टैंक फुल करवाएं, क्योंकि पेंगोंग में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको पेट्रोल जो है वो लेह में या कडू में ही जाके मिलेगा। तो दोस्तों पेंगोंग पहुंचकर आप फटाफट से अपना होम स्टे ले लें या टेंट ले लें, और वहां पर आपको पानी की थोड़ी दिक्कत रहेगी। आपको गर्म पानी नहाने के लिए तो मिलेगा नहीं, सिर्फ आपको मुंह हाथ धोने के लिए मिलेगा, तो आप मुंह हाथ धोने से ही काम चलाइएगा। और वहां पर थोड़ी देर रेस्ट करके चाय पानी पी के आप लोकल पेंगोंग लेक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फेमस 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग भी हुई थी, तो 3 इडियट्स पॉइंट है वहाँ पर एक, आप वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पर जो टैरिफ है दोस्तों टेंट्स का और रूम्स का वो 2,000 to 4,000 है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको जो भी ठीक लगता है आप यहाँ ले सकते हैं। और एक मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर पेंगोंग लेक के आसपास कहीं भी सेल्फ कैंपिंग अलाउड नहीं है। और दूसरा एक चीज़ का आप ज़रूर यहाँ पर जब भी आएँ ध्यान रखें कि इस पेंगोंग लेक की सुंदरता जैसी बनी हुई है उसको आप वैसा का वैसा बना रहने दें, कोई भी गंदगी वगैरह यहाँ पर ना फैलाएं। डे 8 में अब हम लोग निकलेंगे पेंगोंग से लेके सरचू या लेह की तरफ। दोस्तों आज की जो हमारी जर्नी रहने वाली है वो पेंगोंग टू सरचू होगी, जो कि 400 किलोमीटर्स की रहेगी, जिसमें 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। यहाँ से इस रास्ते से हम लोग चांगला पास होते हुए निकलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत पास है। यहाँ पर चांगला बाबा का मंदिर है। तो इसका जो डिस्टेंस है दोस्तों पेंगोंग लेक से 150 किलोमीटर्स के करीब है। ये जो पास है वो सबसे डेंजरस पास है, क्योंकि यहाँ पर रोड अभी भी मेटल नहीं है, कच्चा रोड है, आपको यहाँ पर ब्लैक आइस भी मिल सकती है। तो थोड़ा आप केयरफुली इस रोड से होते हुए आएँ, और चांगला क्रॉस करने के बाद दोस्तों लगातार कडू तक उतराई है, उसके बाद रोड कंडीशंस थोड़ी बेटर हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से कडू से जो मनाली का डिस्टेंस है दोस्तों वो 180 किलोमीटर के करीब है, तकरीबन 6 घंटे जो है यहाँ से आगे लग जाएंगे। पेंगोंग से जब मैं लास्ट ईयर 2022 में आया था, मैंने पेंगोंग से डायरेक्ट सरचू का स्ट्रेच कंप्लीट किया था। मैंने अपनी पेंगोंग से जर्नी सुबह 9 बजे स्टार्ट की थी और हम लोग शाम को 6 बजे सरचू पहुंच गए थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो लोग अगर ना कर पाएँ
पेंगोंग टू सरचू अगर मनाली की तरफ आ रहे हैं तो आप पांग में भी स्टे कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम मान के चल रहे हैं कि हम सरचू पहुंच जाएंगे और आप भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रात को सरचू पहुंच के आप रात को रेस्ट कीजिए। अगला दिन आता है डे 9 जो कि सरचू टू मनाली का स्ट्रेच है। सरचू टू मनाली 180 किलोमीटर है जिसमें 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद आप शाम को मनाली रेस्ट करिए और इसके बाद डे 10 आता है, वहां पर आप मनाली में रेस्ट कीजिए डे 10। और जो लोग रेस्ट नहीं करना चाहते, सीधे दिल्ली निकलना चाहते हैं, तो वो लोग 10वें दिन दिल्ली डायरेक्ट निकल सकते हैं। तो मनाली टू दिल्ली वही 560 किलोमीटर, 10 से 11 घंटे की जर्नी। और इस तरह से दोस्तों हमारा जो लद्दाख का ट्रिप है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि लेह लद्दाख कौन सा मंथ में जाना चाहिए। तो लेह लद्दाख जाने के लिए मेरे हिसाब से 3 मंथ्स जो हैं वो सबसे बेस्ट रहेंगे। पहला 1st of May से लेके आप 15th of June तक एक्सप्लोर करें, और दूसरा आता है सितंबर मंथ में आप जाएं, क्योंकि 1st of May से 15th of June तक अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि रोड अभी नए नए खुले होते हैं, आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स मिलेंगे, रोड कंडीशंस बहुत बढ़िया मिलेंगी, और ग्लेशियर्स क्योंकि पिघले नहीं होते तो आपको वाटर क्रॉसिंग्स नहीं मिलेंगी। और दूसरा लेस क्राउड होने की वजह से दोस्तों आपको वहाँ पर टूरिस्ट कम होने की वजह से होटल्स जो है वो आपको बहुत सस्ते मिलेंगे, तो आप वहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हैं, वो आपका एक फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा आप अच्छे से लद्दाख वैली को एक्सप्लोर कर पाएंगे। सितंबर मंथ में ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप सितंबर मंथ में जाते हैं तो ये सीज़न भी बहुत बेस्ट रहता है लद्दाख को एक्सप्लोर करने के लिए। ठंड थोड़ी थोड़ी हो जाती है लद्दाख में, बट आपको टूरिस्ट बहुत कम मिलेगा, तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। और टूरिस्ट कम होने की वजह से दोस्तों होटल्स जो हैं वो खाली हुए होते हैं, तो आपको चीप रेट में होटल्स मिल जाएंगे। और रोड की जो कंडीशंस होती हैं दोस्तों वो बहुत बढ़िया मिलती हैं आपको सितंबर मंथ में स्पेशली, क्योंकि रोड दोबारा से मेटल्ड कर दिया जाता है रोड को। फ्रेंड्स आप लोगों में से कईयों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें कौन सी सीसी की बाइक लद्दाख लेकर जानी चाहिए। कुछ लोगों के पास 100cc की बाइक होती है, कुछ के पास 150cc की भी बाइक होती है, तो लोग सोचते हैं कि कम सीसी की बाइक लेकर आप लद्दाख नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप 100cc की बाइक से भी लद्दाख जा सकते हो और 150cc की बाइक से भी लद्दाख जा सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप 100cc या 150cc की बाइक से लद्दाख जाओगे तो आप ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर सकते, तो आपको बहुत स्लो डाउन होकर बाइक लेकर जाना होगा। मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कम से कम आप 150cc की बाइक लेकर ही जाएं, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे आपको 17,000 फीट तक जाना होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम होता है और लगेज आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि 10 से 12 दिन का मिनिमम ट्रिप होता है, तो लोड जो है वो बाइक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से बाइक की जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है, तो बेटर रहेगा कि आप मिनिमम 150cc की बाइक लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से आप जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं लेह सर्किट का वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए वाया श्रीनगर होके टूवर्ड्स मनाली का लेह सर्किट का वीडियो भी बना सकता हूँ, या झांसकर का अगर आपको वीडियो चाहिए, उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना सकता हूँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपके कमेंट्स आए तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।